अब क्या बताते हैं, जैसे आप जी सत्संग की तरफ चलते हो, ये काल ना जाने कितनी बाधाएं पैदा करेगा। बाकी किसी संत के पास जाओ नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको पता है वहाँ गया गया तेरे काम थे। अब उस समय ये सोच ले कितनी हानि होने की सोच लगता हो कि या पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डरावे है आपने। फिर भगवान किसे कहते हैं, ये सोच ले जैसे एक नाइट सर्विस में जावा था एक व्यक्ति, और सुबह वापस आना था नाइट सर्विस में, इसलिए गया था कि जल्दी काम करके वापस आऊँगा, कोई कोठी बनावा था, किसी काम बस जाना था। रास्ते में ही वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई और वह कोठी भी गई। ये दास आपको बहुत बार सुनाता है कि तलवंडी भाई ये कस्बा है फिरोजपुर जिला पंजाब के अंदर, वहाँ दास के पूज्य गुरुदेव जी रहा करते थे, उनके बहुत से शिष्य हैं, और दास भी वहाँ उनकी सतलोक गमन के बाद एक रविवार को वहाँ सत्संग किया करता था। वहाँ गुरुदेव के शिष्यों के कुछ रिश्तेदार, एक रिलेटिव आए हुए थे किसी बुढ़िया की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए। वो शनिवार को जाने लगे, शुक्र को आए थे, तो हमारे उन भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, कल रविवार है, रुक जाओ, 9 बजे सत्संग होगा, 2 घंटे सत्संग सुनना। वो कहता मैंने बहुत सुने सत्संग और मुझे बहुत जल्दी है। तो उन भक्तों ने कहा कि आपने सत्संग बहुत सुने होंगे पर ऐसा नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनिएगा। अब रिश्तेदार तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो नहीं माना, उसने कहा कि मेरा एक एग्रीमेंट होना है किसी पार्टी से, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 1997 की बात है, 1997 में 5 लाख तो आज के 1 करोड़ समझ लो। अब उसने नहीं माना, शाम के समय चल पड़ा शनिवार को, यानी थोड़ा सा दिन रहता था, अंबाला के पास आकर के एक चंडीगढ़ के निकट जा करके एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, बजरी रोड़ी का, और उसकी किसी डिफेक्ट हो गया था पिछले पहियों में, दोनों पहिए निकाल रखे बैक के चारों, अगला अगले पहिए 2 शेष थे और पीछे जैक ला रखा था। अब उसने तो वो 5 लाख दिखाई दिए थे, मारुति कार थी, पूरा परिवार था, वह ट्रक के नीचे घुस गई स्पीड ते, वो पहले तो जैक गिरा, वो पूरा लोडेड ट्रक उसके ऊपर गिर गया, चारों के चारों सदस्य वहीं मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले उसको ठीने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना रामे। और जय वो रुक जाता, कहते संत सन में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूरी हुआ काटे में टल जा। तो जब ये मन ऐसी बकवाद करे तो इन्हों सोच ले मेरी मृत्यु हो जा आज, तो फिर इस काम ने कौन करेगा। तो इस कहते हैं हम व्यक्ति भी काम छोड़ने काम होया करें, हम बच्चों को छोड़ते हैं 14 साल के लिए पढ़ने के लिए फ्री बेटा, और खर्चा करते न्यारा, और 2 रोटी के लिए। हमने बताई वही ज्ञान है, यू ज्ञान इतना दृढ़ हुआ नहीं है कि इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, इतना शीस दे देंगे हम इसमें भी जब ये समझ में आओगा। ये कंपल्सरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है हमारे लिए, और वो मजबूरी है पेट के लिए। तो ये सोच ले के मेरी आज मृत्यु हो जा फिर कौन करे। तो इन सोच कर चल पड़, 2 दिन 3 दिन जैसा तेरी इच्छा हो कि मर गया मैं, चल भाई अब 2 दिन 3 दिन यहाँ रहोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, परमात्मा के पुण्य इकट्ठे होंगे, ज्ञान सुनोगे। और 3 दिन में कोई, वैसे तो भगवान की कृपा से ऐसी हानि होया नहीं करती, कभी नहीं होती। और मान लीजिए आपकी उन सामाजिक व्यवहार से सोचें तो कोई हानि छोटी मोटी होगी तो फिर ठीक कर लेंगे, जा करके उसको पूर्ति कर लेंगे,
और ये परमानेंट टिकट भी तो कट सके है, फिर के कर लेंगे। अब सोचना, परमात्मा कहते हैं, जैसे एक प्रसंग था, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठहर ला। जैसे पुराने समय में हमने देखा, एक कड़ियों का कड़ी वुडन बैटन होती थी, कड़ी काठ की, और एक वुडन बीम होता था सतीर, और उसके ऊपर मकान की छत डाली जाती थी। और कई बार एकाधी कड़ी टूटन न हो जाती, या वो सतीर वुडन बीम में क्रैक हो जाता, उसमें बैंड हो जाता, तो उसके नीचे एक सपोर्ट दे दिया करते, लकड़ी के कोई बल्ली ला देते मोटा सा, तो वो उसको बोलते हैं ठाहर। वो ठाहर ला दी नीचे तो निश्चिंत हो गए। फिर वो मनमाना 20 वर्ष ना खराब हुआ वो छत, और नीचे वो ठाहर ना लाते तो वो सारी छत गिर जाती, सारा मकान नष्ट हो जाता। तो वो कड़ी की ठार ला दी नीचे से, सपोर्ट दे दी उसको। तो परमात्मा कहते हैं ये तन तुम्हारा जावेगा जब निर्धारित समय हो गया, और तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो इसके ठार लग जाएगी वह कड़ी वाली, वो तुम्हें फिर सपोर्ट मिलेगा, आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी भक्ति के लिए। अब कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठहर ला, लगा सकता है तो लगा ले ये सपोर्ट को, क्या बताइए ठहर, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा, यानी सतगुरु को खोज के पूरे संत से उपदेश लेकर नाम जाप कर, फिर यह ठहर लग जाएगी, ये तेरी एक्सटेंशन हो जाएगी आयु की।